हेलो एवरीवन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्लस टू के केमिस्ट्री के एग्जाम में, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो या एचबीएससी का एग्जाम हो, पूछ लेते हैं क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, व्हाट आर पोस्टुलेट ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखने, देख लो, तीन पोस्टुलेट है जो आपके सामने। गाइज, इसकी फुल वीडियो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अलग से बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप चैनल पे देख सकते हैं, एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको तीन तो ये पोस्टुलेट लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगी इसका सिग्निफिकेंस और इस थ्योरी की क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, वो भी लिख देना, 5 मार्क्स में मोर देन सफिशियंट है। आज मैं एक बार आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी से कि क्या लिखना है आपको। सिंपली पहला पोस्टुलेट, सीधा पोस्टुलेट से स्टार्ट कर सकते हैं आप। एक्चुअल में थ्योरी किसके लिए दी गई है? फोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दी गई है। किन्होंने दी है? इन दोनों ने दी है। अगर इनका आपको नाम याद नहीं होता तो कोई जरूरी नहीं है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट्स पोस्टुलेट आर फर्स्ट, इन ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल और लिगेंड्स, देखो ये सेंटर मेटल एटम है जो जनरली डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये लिगेंड है, बोला इन दोनों के बीच बॉन्ड जो होता है आयनिक होता है नेचर में। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? आयन्स के बीच, यानी ये वाला पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वाला क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स फोर्स होता है एक प्रकार से, एंड लिगेंड्स, मेटल आयन के बीच और लिगेंड्स के बीच। पहला पोस्टुलेट समान, क्या कह रहा है ये? सिंपली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होते हैं, मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, इनके बीच आयनिक फोर्स है, खत्म यार। दूसरा क्या कह रहा है? इट कंसिडर करती है लिगेंड को एज ए पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक। एंड लिगेंड्स अपने आप को आर अरेंज करते हैं अराउंड अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन के इन सच ए वे दैट रिपल्सन बिटवीन द लिगेंड्स क्या हो? मिनिमम। दूसरा पोस्टुलेट, सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंड अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि मिनिमम क्या हो? रिपल्सन। अब ये लिगेंड्स अरेंज ही कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? तीन प्रकार के कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने हैं जनरली। ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, या स्केयर प्लैनर कॉम्प्लेक्स बन सकता है। छह लिगेंड आ रहे हो नंबर में तो बनेगा ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चार लिगेंड से बनता है, स्केयर कॉम्प्लेक्स भी चार लिगेंड से बनता है। इन ए फ्री ट्रांजिशन मेटल ऑल डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। ये 5 डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। जब इनके चारों तरफ कोई लिगेंड नहीं होता, यानी कि आयन कैप फ्री, तो इसके 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है? इक्वल, जिसे हम कह देते हैं बारी सेंटर। ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं अब डीजनरेट ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। नाउ जब लिगेंड्स आ जाते हैं, मानो 6 लिगेंड आ गए, तो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में कि 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे रह जाते हैं, जिनका नीचे वाला का नाम होता है T2G, ऊपर वाला का नाम होता है EG। ये दिखाएंगे आप, देखो, इन ए फ्री ट्रांजिशन मेटल ऑल डी ऑर्बिटल्स आर डिजनेट, बट ड्यू टू लिगेंड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू लिगेंड्स और मेटल कॉम्प्लेक्स नेचर। ठीक है, लाइक ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्केल प्लैनर कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अब दो के लिए मैंने बता रखा है, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स के लिए और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इन तीसरे में 2 पॉइंट लिखेंगे आप, ए और बी। इन ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स अरेंज अलोंग एक्सिस, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स एक्सिस के लोग आते हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल्स जिनके लोब अलोंग द एक्सिस हैं, उनके बीच और लिगेंड्स के बीच रिपल्शन क्या हुआ? ज्यादा। ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। ईजी वाला एनर्जी बढ़ जाएगी, टीटो जी वाली एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। DXYDYZDZX के लोब क्या होते हैं? कम होते हैं, सॉरी बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इसलिए एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते हैं। अगर ये अच्छे समझना हो ना तो फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना यार। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सीधे पोस्टुलेट आपको ये लिखने हैं बस। लीडिंग टू अलोंग द एक्सिस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, लीडिंग टू T2G एंड EG ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग हो जाएंगे। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, लिगेंड्स अप्रोच बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच से अप्रोच करेंगे, उनके बीच रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। बिटवीन द लोब जिनके हैं, एक्सिस के बीच जिनके लोब हैं, उनके बीच रिपल्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो DXYDYZDZX की एनर्जी क्या हो जाएगी? ऊपर 3 ऊपर आ जाएंगे, ऑर्बिटल 2 नीचे।
अप्रोच बिटवीन एक्सिस एंड स्प्लिटिंग अक्कर विद ई ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी एंड टी टू ऑर्बिटल्स विद हायर एनर्जी। खत्म, तीन पोस्टलेट खत्म भाई, ठीक है। अब जल्दी से इनकी लिमिटेशन और यूज देख लो। लो भाई, सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का और लिमिटेशन, ये और लिख देना, बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आपके, पूरे 5 के 5 नंबर आपके नाम, ठीक है। देख लो, पहला पॉइंट, इट टेल्स अबाउट हाई स्पिन, कोई कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन क्यों है, लो स्पिन क्यों है, इसके बारे में बताती है, कौन ज्यादा घूमता है कौन कम घूमता है ये बताती है, कौन सा पहिया ज्यादा घूमता है, कौन से कॉम्प्लेक्स स्पिन ज्यादा है, कौन से की कम है, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताती है कॉम्प्लेक्स की, कौन सा चुंबक से चिप जाएगा, कौन सा चुंबक को रिपेल करेगा, कौन सा चुंबक से थोड़ा चिपकेगा, ठीक है। कुछ ज्यादा चिपक जाता है, कुछ थोड़ा चिपकता है, कोई रिपेल होता है। तो ये फेरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायनेटिक बिहेवियर बताती है कॉम्प्लेक्सेस का। एक्सप्लेन कलर, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों है भाई, ये बता देती है उसका रीजन। जैसे रूबी रेड कलर का होता है, टोपाज येलो कलर का होता है, इमराल्ड ग्रीन कलर का, समझ आ गया, ठीक है। ये इसकी खूबियां, तो कॉम्प्लेक्सेस को आसानी से एक्सप्लेन करवाने में हेल्प करती है ड्यूटेड स्पेटिंग नेचर, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, दो। पहला ही पॉइंट था इसका क्या, कि बॉन्ड है ना मेटल लिगेंड के बीच का प्योरली आयनिक है भाई, सारी इसकी थोड़ी चलेगी, यही बात हमने पकड़ ली। हम बोले क्या, कोवेलेंट बॉन्ड को भूल गई है थ्योरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भूल गई, ये तो कमी है इसकी, नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके लिए किस फील्ड थ्योरी को पढ़ रहे हैं, इस बॉन्ड का जिक्र ही नहीं कर रही, नहीं मानेंगे, कमी निकाल दी हमने। अगली कमी क्या, अकॉर्डिंग टू इट नेगेटिव चार्ज लिगेंड शुड शो ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो नेगेटिव चार्ज है ना उनको सीएफएससी वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या ज्यादा दिखानी चाहिए, और हमने सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हर एक लिगेंड के स्पेक्ट्रम में निकाल रखी है और उनको एक सीरीज में अरेंज कर रखा है जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज लिगेंड है तो इनकी सीएफएससी जो एनर्जी स्प्लिटिंग से रिलीज होगी वो ज्यादा होनी चाहिए नेगेटिव के लिए, बट ये तो बेचारे लोअर एंड पे होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, बताओ सीओ कार्बोनिल, ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है किससे, सीएन माइनस से, कर लो कंपैरिजन, शुड शो ग्रेटर स्प्लिटिंग बट एक्चुअली एन आयन आर प्रेजेंट इन द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एन आयन है ना कम एनर्जी रिलीज करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, दो स्क्रीनशॉट हो गए आपके, ठीक है। 5 नंबर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। इतना ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, होप सो गाइस आपके समझ में आ गया। जिसको ये बातें समझ में नहीं आई है ना, फुल वीडियो है भाई चैनल पे, देख लो बोर्ड एग्जाम में इतना से लिख के आना है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। और हाँ हाँ रुको, इससे रिलेटेड और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। अब अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन को, ऑल द बेस्ट।